प्यार, बहुत ही प्यारा सा नाम है। एक ऐसी चीज का नाम है जिसे ना तो छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, मगर पूरी की पूरी दुनिया इसी पे टिकी है। हर आदमी को कभी ना कभी किसी ना किसी से तो प्यार हुआ ही है। रूखे से रूखे आदमी को किसी से तो प्यार होता ही है। तो जब ये इतनी प्यारी सी चीज है तो इसमें खून क्यों होते हैं? जी हां, खून, प्यार, पैसा, जमीन जायदाद, ज्यादातर खून इसी को लेके होते हैं। अब ये जो केस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो खून हुआ उसे देख के तो ऐसा लगा कि खून प्यार की वजह से हुआ है। डांस चल रहा था, हजारों लोग मौजूद थे और भीड़ भाड़ के बीच में किसी ने इस आदमी को मार दिया, और वो भी उस लड़की के सामने जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। बाद में पता चला कि एक बदमाश इस आदमी को मारने के लिए आया था और हमें वो बदमाश मिल भी गया। उसके पास से दो दो गन मिले, एक नहीं दो दो गन। हमें लगा केस तो सॉल्व हो गया, खूनी मिल गया तो केस खत्म है ना। मगर यहां पे एक प्रॉब्लम थी, खूनी मिला तो जरूर मगर वो मरा हुआ था, उसको भी किसी ने गोली मार दी थी। एक ही जगह पे दो दो खून, जो खून करने आया उसे भी किसी ने मार दिया। हमने सोचा कि इस खूनी को किसने मारा ये बाद में ढूंढेंगे, पहले जरा इसकी लाश डॉक्टर सालुंखे को दिखा दें। सालुंखे को तो आप जानते ही हैं, बहुत ही टेढ़े आदमी है। कहने लगे कि ये खून इस आदमी ने नहीं किया है। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, ये एक पेशेवर खूनी है, पैसे लेके खून करता है, इसकी जेब में से दो दो गन भी लिए। कहने लगे कि होगा खूनी मगर ये खून इस आदमी ने नहीं किया है, क्योंकि ये खूनी उस आदमी के मरने से पहले मर चुका है। ये कैसे हो सकता है, जो खून करने आया वो पहले ही मर गया? आप खुद ही देख लीजिए, जो खून करने आया वो खुद कैसे मर गया और प्यार में क्या क्या होता है। अरे कहाँ थी तुम यार? तुम कहाँ थे? मैं 8 बजे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 8 बजे से? लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ 9 बजे का टाइम दिया था। मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। ये देख, तुमने मुझे नोट में 8 बजे आने के लिए कहा। मुझे तो तुम्हारा ये नोट मिला था और तुमने मुझे 9 बजे आने का टाइम दिया था। नोट भेजा मैंने तो ये नोट नहीं लिखा। मैंने भी नहीं भेजा ये नोट। फिर किसने भेजा? शायद किसी ने मजाक किया हो। और मैं तुम्हारा फोन भी शाम से ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है। आदित्य, अब भैया को सब कुछ पता चल गया है, उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया। रिलैक्स, भैया को पता चल गया तो अच्छी बात है, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। तुम समझ नहीं रहे हो, भैया को पता चल गया है। चलो एक बार दोबारा उनसे पूछ लूंगा, अगर शादी के लिए हाँ कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम भाग जाएंगे। क्यों? चलो फटाफट डांडिया खेलते हैं। वहाँ नहीं, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे डांडिया खेलते हैं। चलो चलो।
लिए छाती पे गोली मारने भीड़ का अच्छा फायदा उठाने के लिए हल्ले गुल्ले में काम तमाम कर दिया इसका। इतनी टाइट सिक्योरिटी में इतना चेकिंग होने के बावजूद यहाँ अंदर गोली चली, गन अंदर किसी है? सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो सभी को मेटल डिटेक्टर से चेक करके अंदर भेज रहा हूँ सर, ऐसे में गन कैसे अंदर आ गई नहीं पता सर। किसी ने देखा किसी को गोली चलाते हुए है? अरे कुछ तो देखा होगा, गोली चलने की आवाज सुनी होगी, क्यों? सर म्यूजिक इतना जोर का था कुछ सुनाई नहीं पड़ा। ये कहकर कोई फायदा नहीं है, खून हुआ इधर खून, हर एक को जवाब देना पड़ेगा। सर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है इसका। आदित्य 603 हर्षिया। विवेक इस आदित्य के घर वालों को इन्फॉर्म करो। अकेला तो आया नहीं होगा, कोई ना कोई तो था इसके साथ। इस आदमी के साथ कोई था यहाँ पर? किसी ने किसी को देखा इसके साथ? कोई तो होगा ना, क्या ये अकेला डांडिया कर रहा था? सर सर मैंने मैंने एक लड़की को देखा था इसके साथ। इस आदमी के साथ कोई लड़की थी? हाँ सर, और लगता है वो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड थी सर, और ये दोनों बहुत घबराए हुए से भी लग रहे थे। घबराए हुए थे? दिखने में कैसी थी ये लड़की? गोरी थी ये लड़की? एक मिनट पाशा, इसे बिलो ले जा और इसे स्केच बनवा लड़की का। जा जा घबरा, देखो अब भी वक्त है, किसी को कुछ कहना है कुछ बताना है तो बताओ, घबराओ मत। सर हाँ, इसे जरूर उस आदमी ने मारा है। किस आदमी ने? जो मुझसे टकराया था। ये क्या गन? हाँ शाड़ी सर, ये सब रखना पड़ता है तुम लोग की प्रोडक्शन के लिए। एंजॉय। वो आदमी दिखने में कैसा था? सर हुलिया तो मैं बता नहीं सकता, बस सब कुछ तुरंत हो गया, मैंने तो बस ये गन गिरी हुई देखी और गायब हो गया वो आदमी। सर 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 एक और लास्ट। सर कहाँ पर? सर वहाँ पर सर, आइए सर आइए। अरे चलो हटो पीछे हटो, चलो पीछे हटिए। ये देखिए सर लास्ट। माथे पे गोली मारी है सर। अगर गोली माथे पे मारी है तो इसका मतलब एक गोली चलाने वाला आसपास ही कहीं खड़ा होगा, या तो फिर वो कोई शार्प शूटर होगा। वो क्या रहा है सर यहाँ पे, एक ही रात में दो दो खून। एंट्री पास सर, ये भी दांडिया खेलने आया था। कोई दांडिया खेलने वालों को ही क्यों मार रहा है? देखो जरा और कुछ मिलता है क्या? अगर ये आदमी दो दो गन लेकर घूम रहा था तो ये कोई डांडिया खेलने नहीं आया था। विवेक उस लड़के को लेकर आओ जिसने पहली लाश देखी है, जल्दी। कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं, पता नहीं कौन है ये आदमी। सर हो सकता है इस आदमी ने आदित्य का खून किया, मगर सर वो लड़की जो आदित्य के साथ थी वो कहाँ गायब होगी? होगी यहीं कहीं भीड़ में, लड़के हमारे सामने नहीं आ रही। सर उधर इधर और देखो इस लाश को। सर मैं लाश को देख नहीं पाऊंगा, मुझे मुझे घबराहट होती है। चलो एक चलो इधर देखो, चलो इधर देख
ध्यान से देखो इस लाश को, क्या ये वही आदमी है जिसके पॉकेट में से गन गिरी थी? देखो जरा। सर मुझे वाकई कुछ याद नहीं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि चेहरा ठीक से दिमाग में बैठ नहीं पाया। अच्छा, जेब में से जो गन गिरी थी क्या इनमें से वो है? सर गन के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मुझे, लेकिन ये वही गन लग रही है। ये वही गन है? जी। इसका मतलब साफ है सर, आदित्य का खून इसी आदमी ने किया है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही सर, अगर आदित्य का खून इस आदमी ने किया है तो इसे किसने मारा? हाँ सलूनखे, क्या हाल? अरे यार, दो दो लाशें डाल दी सर पे, पूछो क्या हाल? अब दो दो लाशें तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, हाँ दोनों गोले खा के मरे हैं ना? किसने कहा? मैंने कहा। तुमने कहा? मेरी बात सुन के पहले लोग हंसते हैं और फिर बाद में रोते हैं। क्यों? यही सोच के कि पहली बार मैं क्यों हंसा था। लेकिन फ्रेडी, इस बार तुम रोओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि आदित्य की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली नहीं। गोली नहीं? नहीं। तो फिर क्या? गोला है, गोला। तुम्हारे कहने का मतलब है ये छर्रा है? हाँ सर, ये देखिए। ये लोहे का छर्रा हमें आदित्य की लाश में से मिला है। मतलब ये गोली किसी कट्टे से चलाई गई है? हाँ। ऐसे ये कट्टा हमें इस आदमी के जेब में से भी मिला था। तो हो सकता है शायद इसी ने आदित्य को मारा और फिर बाद में किसी ने इसी को मार दिया। नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस आदमी की मौत आदित्य की मौत से पहले हो गई। यार सलूनखे, ये क्या नया चक्कर है? कोई चक्कर नहीं बॉस। देखो, आदित्य की मौत हुई है करीब 9:30 बजे और इस आदमी की मौत हुई है लगभग 8:30 बजे। लेकिन सर आखिर ये आदमी है कौन, कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है। एक चीज है सर, शायद इससे आप लोग ये पता लगा सके कि आदमी है कौन। क्या? ये देखिए, ये तो गट्ठा पड़ गया है। ऐसा निशान तो अक्सर गन चलाने पर आता है। जब भी कोई आदमी दिन रात गन का ट्रिगर दबाते रहे तो उसके उंगली पर ऐसा निशान आएगा। मतलब सर, ये आदमी पुलिस या मिलिट्री डिपार्टमेंट का हो सकता है। तमंचे के साथ साथ हमें इसकी जेब में से गन भी तो मिली थी। You are right, है? हो सकता है। विवेक, एक काम करो, इसका फोटो दिखाओ और पता लगाओ क्या ये आदमी कभी पुलिस या आर्मी में काम करता था क्या? Yes. उसके बाल कैसे थे? उसके बाल लंबे थे और दोनों तरफ से आगे भी थे। हाँ सर, वो आदमी गन वगैरह बहुत चलाता था तो हो सकता है वो किसी राइफल एसोसिएशन का मेंबर भी हो जहाँ पे ये दिन रात शूटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, हो सकता है। देखते हैं ये विवेक क्या खबर लेके आता है। यस। हताशा। सर वो जो गन मिली थी हमें उस आदमी के जेब से। हाँ। सर उसके नंबर से पता चल गया है कि वो गन किसकी है। किसकी है? किसी अनिल डागर की। अनिल डागर? यस सर, बांद्रा में रहता है। अगर ये गन अनिल की है तो कहीं वो लाश भी अनिल की तो नहीं? हाँ, दया, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हो सकता है ये लाश अनिल की ही है। देख, काम करो, तुम और फ्रेडिक्स इस अनिल के घर जाओ, देखो क्या पता चलता है। जी कहिए। किससे मिलना है आपको? अनिल का घर यही है ना? हाँ, आइए ना, आप लोग अंदर आइए। मैं सोनल हूँ, उनकी वाइफ। अनिल तो अभी घर पर नहीं है, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? पर हुआ क्या? अब सोनल जी, दरअसल बात यह है कि अब सर
आप ही बोल दीजिए सर। देखिए बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अनिल, 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 तुम रो क्यों रही हो? तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो अनिल? मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, क्या हुआ है मुझे? ये लोग कह रहे थे कि ये लोग कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? इन्होंने मुझे कहा कि आपकी मौत हो गई है। आप लोगों को ऐसा घटिया मजाक करने के लिए कोई दूसरा घर नहीं मिला था? नहीं नहीं, नो मजाक। नो मजाक? क्या 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 कर रहे हैं आप यहाँ पे? आओ, ऐसे आओ। जरा आराम से, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारे पास एक गन है ना? गन? हाँ हाँ है। कहाँ है गन, दिखाओ। वो तो क्या हुआ अनिल जी, ये अचानक हवा कैसे निकल गई आपकी? नहीं, वो चोरी हो गई 2 महीने पहले। जब भी कोई आदमी पकड़ा जाने वाला होता है ना, तो वो हमेशा यही बोलता है, मेरी गन चोरी हो गई है। नहीं नहीं, सचमुच में चोरी हो गई। मैं दिखाता हूँ आपको आपकी गन कहाँ है। पहचानते हो उसे? हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर MNO1302। क्यों? हाँ, ये तो मेरी गन है, पर आपको कहाँ से मिली? लाश के जेब में से। क्या लाश? हाँ लाश, इस आदमी की लाश। इसे पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता इसे। इस आदमी को नहीं देखा, जानते नहीं हो, तो फिर आपकी गन इस आदमी के जेब में क्या कर रही थी? हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट लिखवाई थी सर। अब क्या वो आदमी पुलिस में या आर्मी में नहीं था? अच्छा, राइफल एसोसिएशन का मेंबर था वो? नहीं, ओके ठीक है। कहीं ये आदमी कोई गैंगस्टर तो नहीं है? साहब, कालिया की दुकान पे चने नहीं मिलते, सुपारी मिलती है। अच्छा, सुपारी? 13 चीकुवाड़ी। चीकुवाड़ी? यहाँ तो अच्छा खासा धन बना रखा है। रेडी विवेक, इस जगह को ध्यान से छान मारो, एक एक छोटी से छोटी चीज को भी ध्यान से देखो। कह नहीं सकते किस चीज से हमें वो सुराग मिल जाए जहां पता चले कि कालिया को किसने मारा। Get mad at it.
इतने सारे पैसे? आदित्य की फोटो देखा? मैं पहले ही कह रहा था, इस कालिया ने ही आदित्य को मारा है। 2009 मतलब 20 सितंबर 2009। अरे सर, उसी दिन तो आदित्य का खून हुआ था। इस कालिया का वहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कालिया वहां डांडिया खेलने नहीं गया था। सर, कालिया ने ही आदित्य को मारा है सर। मगर कालिया का आदित्य के पहले ही खून हो चुका था सर। तू हमेशा मेरी बात को काटता क्यों है? सर, मैंने ये बात सालुंखे सर ने कही है। सालुंखे की ऐसी की तैसी, कालिया के घर में आदित्य की फोटो मिली है, इसका मतलब क्या है? सालुंखे सर ने कहा है कि कालिया पहले ही मर चुका था। इसका मतलब मर चुका था, कालिया ने आदित्य को नहीं मारा है सर। नहीं मारा है तो नहीं मारा है। तो फिर मारा किसने? बेटा तो चला गया मेरा, अब आप लोग क्यों आए हैं? क्योंकि हम आपको इस वक्त तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर आदित्य का खून हुआ है, इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा? मतलब कौन कौन है जिसकी दुश्मनी थी आदित्य के साथ? हाँ, किसी जसलोक से उसने 20 लाख रुपए कर्जा लिया था। 20 लाख? कितनी बार मैंने उससे कहा था पैसे कमाने की जल्दी मत कर, लेकिन उसके सर पर तो भूत सवार था अमीर बनने का। तो क्या ये जसलोक आदित्य से पैसे वापस मांग रहा था? हाँ, और उसने कई बार धमकी भरे फोन भी किए। वैसे इस जसलोक का नंबर है आपके पास? एक मिनट, जरा ये स्केच देखिए आप लोग। इस लड़की को पहचानते हैं? ये निशा है। निशा? कौन निशा? आदित्य भैया की गर्लफ्रेंड। भैया इससे शादी करना चाहते थे, मगर क्या? मगर पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, और इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। जरा इस निशा का एड्रेस दीजिए, वो मिलेगी तो पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था, तब से गायब हुआ। मिस्टर जसलोक, हाँ जी, हम आपको ससुराल ले जाने आए हैं। उठिए उठिए, चलो उठो उठो। भाई साहब, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ससुराल कहां से आ गया? शादी तो इसकी भी नहीं हुई थी। तो मैं क्या करूं? इसे जानते हो? आदित्य मर आओ। थोड़ी जरा पानी डाल दो इनके कान में। ये लो, पानी पी लो पानी। शायद जेल में पानी नहीं मिलेगा तुम्हें, पी लो। इनके उंगलियों के निशान ले लो फ्रेडी। फिंगरप्रिंट्स क्यों? हाँ, और उस फोटो से मिला के देखो जो हमें कालिया के घर से मिले। मैंने नहीं कुछ किया भाई। तो फिर धमकी क्यों दे रहे थे उसे? अरे, उसने मुझसे 20 लाख रुपए दिए थे, बदले में उसने अपनी जमीन के पेपर्स मुझे दिए थे। तो क्या, वो जमीन उसकी थी ही नहीं। मैं जब जब उस नकली पेपर्स को देखता था मुझे रोना आता था, और जब जब रोना आता था मैं उसे फोन करता था। और जब धमकियों से बात नहीं बनी तो उसे मरवा दिया क्यों? 20 लाख मेरे गए, मुझे मरवा के क्या मिलता था? अच्छा, तुम्हारे अलावा कोई और दुश्मन है उसका? अब एक हो तो बताऊं, 50 थे। 50 में से किसी का तो नाम याद होगा? एक तो यही था, क्या नाम है, सुमित। सुमित कौन है? सुमित उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड मतलब गर्लफ्रेंड आदित्य की और उसका बॉयफ्रेंड कोई और? हाँ, सुमित के तन बदन में आग लग जाती थी,
जब अपनी गर्लफ्रेंड को आदित्य की बाहों में देखता था। इसे देखो। कौन है ये? निशा है, आदित्य की गर्लफ्रेंड। ये आदित्य की गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तृप्ति है। ये तृप्ति कौन है? सुमित और आदित्य की गर्लफ्रेंड। देखा सर, आदित्य की दो दो गर्लफ्रेंड, एक निशा और दूसरी तृप्ति। निशा के घर पे भी ताला। सर अब कहाँ ढूंढेंगे उसे? तो दया होता तो दरवाजा तोड़ देता। सर वैसे हमारी एकेडमी में भी हमें सिखाया था कि दरवाजा कैसे तोड़ते हैं। आप चाहे तो मैं ट्राई करूं। कहीं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा? नहीं सर। तो करो ट्राई। थैंक यू सर। कि उस रात से निशा घर वापस आई ही नहीं। हाँ मगर घर में कोई और भी तो होना चाहिए, या तो कोई दिख ही नहीं रहा। काम करो, ढूंढते घर को अच्छी तरह से, देखते कुछ मिलता है क्या। तुम देखो इस तरह। मिला सनीशा और विनोद दोनों के नाम के ट्रेन टिकट्स बुक्ड है। निशा और विनोद, इन दोनों ने मिलकर ही घोटाला किया है और अब भोपाल भागने का प्लान बना रहे हैं। भोपाल? चलो जल्दी करो भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे। तुम अपनी जुबान बंद रखो, समझी? चुपचाप चलो। हाँ लेकिन अगर किसी ने कहीं पे देख लिया। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो विनोद बाबू? हाँ भोपाल जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है, मैं ले चलता हूँ तुम्हें भोपाल। उस रात मैं और आदित्य डांडिया खेल रहे थे, इतने में किसी ने आदित्य को गोली मार दी और मुझे जबरदस्ती वहां से ले गए। ले गए? कहां ले गए? विनोद भैया के पास। उन्होंने आदित्य की सुपारी दी थी। ऐसे आदमी से कैसे शादी कर देता अपनी बहन की? एक नंबर का 420 था वो। आदित्य 420 था? हाँ साहब, उसके सिर पर लाखों का कर्ज था और पैसा कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? हाँ? आदित्य को ऊपर पहुंचाने के लिए सुपारी दी थी ना तूने? देखो निशा, हमें पता चला है कि आदित्य का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था, कोई तृप्ति नाम की लड़की। तृप्ति? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। सुमित का नाम सुना है? अब ये कौन है? तृप्ति का दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड। तृप्ति आदित्य की भी गर्लफ्रेंड थी और सुमित की भी। यही तो चक्कर है आजकल के जमाने का, पता ही नहीं चलता कौन किसका बॉयफ्रेंड है और कौन किसकी गर्लफ्रेंड। बोल, कितने पैसे दिए थे कालिया को? कालिया को? हाँ कालिया को। साहब ये कालिया कौन है? सर पैसे देने के बाद इसकी याददाश्त चली गई। सब सब मैंने कालिया को नहीं, टाइगर को पैसे दिए थे। टाइगर को पैसे दिए थे? फ्रेडी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ दया? सर लगता है फ्रेडी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों, इसने कोई जोक मारा क्या? हाँ सर, ये कह रहा है ये कालिया को जानता ही नहीं है,
इसने टाइगर नाम के किसी आदमी को पैसे दिए थे आदित्य को मारने के लिए। अरे तो फिर ये कालिया वहां पर कर क्या रहा था? और इस कालिया को मारा तो मारा किसने? मगर कालिया वहां पर गया ही क्यों? इस आदित्य के घर चलते हैं, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। मैं जरा इस टाइगर को देखता हूं सर। टाइगर कहाँ है? टाइगर किस को? टाइगर चाहिए तेरे को? रुक तू, रुक! पहली बार देखा टाइगर ने अपने रखवाली के लिए कुत्ते पाल रखे। इन कुत्तों को तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठा के ले जाएगी। तुझे कहां ले जाए? सर्कस में या ज़ू में? सुपारी दी थी आदित्य को मारने के लिए, लेकिन वहां पर कालिया पहले से मौजूद था। तू कालिया को जानता है? कालिया मेरे गैंग में था, इसलिए मैंने उससे कहा तू पीछे हट जा। फिर क्या? आज तक मैंने जितनी सुपारी ली है, जब तक आदमी को ऊपर नहीं पहुंचा दिया है, मैं चैन से नहीं बैठा। इसलिए मैंने कालिया को कहा पीछे हट जा, मगर वो नहीं माना और तूने उसे टपका दिया। क्यों? आदित्य को मार। आदित्य को मैंने नहीं मारा, मैं उसे मारने गया था, लेकिन वो तो
पहले से मरा हुआ था। पहले से मरा पड़ा था? मरा पड़ा हुआ था, बस मैंने उसकी बहन निशा को उठाया और उसके भाई विनोद के पास ले लिया। मैं सच बोला? हाँ सच बोलो, झूठ क्यों बोलूंगा? अगर इसने भी मारा था तो मारा किसने? अच्छा एक बात बताओ, ये आदित्य की किसी और लड़की के साथ दोस्ती थी इस निशा के अलावा? निशा के अलावा नहीं तो। तृप्ति नाम की कोई कोई गर्लफ्रेंड थी आदित्य की? तृप्ति नहीं, बल्कि ये नाम तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। सुमित का नाम सुना है आदित्य के मुंह से? सुमित 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 हाँ, एक सुमित नाम का लड़का घर पे आया था आदित्य भैया से मिलने के लिए। ऐसे उसका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, है ना आपके पास? 100-150 करता था, अब थोड़ा कम कर दिया। कब की बात है सर, 100-150 साल पुरानी है? अरे नहीं यार, 7-8 साल पुरानी बात है। अच्छा क्या बोला रे? कौन है आप लोग? CID। CID? और ये जो हमारे पहलवान ऑफिसर है ना, ये तो ऐसे रोज करता है। इन सब से मेरा क्या मतलब है? मतलब है हम लोग खूनी का पीछा करते करते तेरे घर तक पहुंच गए हैं। खूनी? किसका खूनी? आदित्य का। आदित्य का? हाँ क्यों बेटा, आदित्य का नाम सुनते ही जबान क्यों लड़खड़ा गई तेरी? हुँ? कौन है आप लोग? ये लोग CID से हैं तृप्ति। ओहो तो आप भी यहीं पर हैं, आप ही तृप्ति है ना? हाँ मैं ही तृप्ति हूँ, मगर आप कैसे जानते हैं मुझे? पता चल जाएगा जेल में। एक मिनट, बाद में उठाइए, पहले ये बताओ क्यों मारा तुमने आदित्य? आदित्य? हाँ आदित्य, बॉयफ्रेंड था ना वो तुम्हारा। ये आप क्या कह रहे हैं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे वो क्या बोले, इसी ने तो पकड़ा है तुम दोनों को रंगे हाथ, और इसीलिए इसने आदित्य का खून कर दिया। देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया है। तो फिर करवाया होगा किसी से? देखिए सर मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। हाँ वो तो पता चल ही जाएगा। विवेक चलो, कहाँ ले जा रहे हैं? चलो, चल। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सर क्या? यहाँ पर हाथ रख। हाँ हाथ रख, चलो दोनों हाथ रख। लेकिन क्यों? तेरा भविष्य देखना है, चलो। भविष्य? हाथ रख। निकालो। ओहो तो यही है हा? तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हमें आदित्य के फोटो पर। और जानते हो फोटो कहां मिला? जी नहीं। कालिया के घर में। कालिया को सुपारी दी थी ना तूने आदित्य को मारने के लिए? क्या बकवास है? बकवास है सर, मैंने उसको सुपारी दी थी। हाँ मगर इससे पहले कि कालिया आदित्य को मार दे, किसी ने कालिया को ही मार दिया, और फिर तुमने जाकर आदित्य को मार दिया। नहीं सर, अगर मैं खुद ही उस आदित्य को मार सकता तो फिर मैं उसकी सुपारी क्यों देता कालिया को? मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुमित कि तुम इतना गिर सकते हो। शट अप, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्रेडिक्स ले चलो इसे। सर दो लोगों ने सुपारी दी थी आदित्य को मारने की, मगर खून किसी तीसरे ने कर दिया सर। जिस कट्टे से आदित्य का खून हुआ है उसी में राज छुपा है। Thank you.
जी बाबूजी, एक पान खिला दो ना भाया। हाँ जरूर बाबूजी, हम अभी बनाई देते। बाबूजी ये लो पान। भाया एक काम है मने। हाँ? जे जो थारी भाभी है ना, ए घर में एकली रहवे है। अगर एक एक तमंचा मिल जाता तो मरे कभी छह ना जाता। तमंचा? पिस्टल, देशी कट्टा, कुगुरा, आप कुछ भी कह रहे भैया? नहीं 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 नहीं, ये काम हम नहीं करते भाई। पनवा चाहिए तो हम बांध दे भाभी जी के लिए। अरे भैया ऐसा है, तुम हरा काम कर दे, मैं ठारा काम कर दूंगा। हमारा नाम तो बीच में नहीं आएगा। क्या बात कर रहा है भाया, अच्छा कैसे? बिल्कुल नहीं। चूना भट्टी है ना वहां पर। हेलो सर, सर आप दया को लेकर चूना भट्टी जाइए, देसी कट्टा वगैरह वहीं पे मिलता है। थोड़ा चाहिए? हाँ वो देसी कट्टा। क्यों चाहिए? क्यों? अबे टपकाने का एक तो बड़ा परेशान करके रखा है। ठीक है ठीक है, देखो 5,000 रुपया लगेगा। 5,000? ए भाई, एक कट्टे का 5,000 रुपया? 5,000 में तो 50 रामपुरी चाकू आ जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों के लिए सिर्फ 4,000 रुपया। देखो 4,000 रुपये से कम नहीं होगा। इस शहर में सिर्फ हम लोग ही देसी कट्टा बेचते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? सीआईडी को बेचेगा क्या? सीआईडी को? हाँ ऐसे वाला कट्टा ना, वो सीआईडी वालों को चाहिए। कोई नहीं लेगा। कट्टे बनाने का बहुत शौक है तुझे, पर ये तो है। चलो जितने भी फोटो तुम्हें दिखाएंगे दया सर, देखो और बताओ किसको बेचा था कट्टा। ये वो ये मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, याद करो और बताओ। वो पीछे वाला फोटो, वो जरा दिखो। हाँ सर, हाँ यही तो था, इसको ही बेचा था मैंने देसी कट्टा। ये तो आदित्य, इसका खून हुआ है तुम्हारे ही कट्टे से। मैंने तो 10,000 में बेचा था इसको देसी कट्टा। मतलब सर आदित्य का खून आदित्य के कट्टे से हुआ है? तृप्ति को फोन कर, देखो कहाँ पर है। मोबाइल कंपनी को फोन करो, देखो फोन कहाँ। कंपनी वालों ने बताया कि आधे घंटे से तृप्ति का मोबाइल यहीं पे है। डांडिया के इतने भीड़ भाड़ में ये तृप्ति कहां है कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं।
जो गजरा लगाए हुए हैं। प्यार करती थी ना आदित्य से, शादी करने वाली थी ना तुम? हाँ मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने प्यार के नाम पर खिलवाड़ किया मुझसे। पैसों के लिए प्यार का नाटक करता रहा, लेकिन असली प्यार सिर्फ इस तृप्ति से करता था। इसीलिए तुमने आदित्य के देसी कट्टे से उसी का खून कर दिया? उसने देसी कट्टा खरीदा था क्योंकि उसके कई सारे दुश्मन थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन मैं ही उसका खेल खत्म कर दूंगी। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर। तुम लड़की हो या नागिन? नागिन तो तुम हो, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। आग तो तुमने खुद लगाई अपनी जिंदगी में आदित्य का खून करके। अब जेल में बैठकर दिन गिनती रहना फांसी होने तक।